आपने मैग्नेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं स्कूल में? मैग्नेट के दो पोल होते हैं, रेड और ब्लू। फिजिक्स लैब में ऐसे मैग्नेट दिए जाते थे, आयरन फिलिंग दी जाती थी और हम लोग एक कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग डाल के नीचे मैग्नेट रखते थे, फिर उसे टैप करते थे तो एक पैटर्न बन जाता था। वो जो पैटर्न है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट। ऐसे लाइनें बन जाती थी ना, जैसे संतरे की फाड़ियां होती हैं वैसी लाइनें बन जाती थी। वो जो लाइनें हैं दे आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने स्कूल में क्लास में पढ़ा है। मैग्नेट्स की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ये कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अगर किसी मैग्नेट के रेड पोल को किसी दूसरे मैग्नेट के रेड पोल के पास लेके आओगे रिपल्शन होगी, अगर रेड और ब्लू को पास लेके आओगे तो अट्रैक्शन होगी। ओके, अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ प्लेनेट है, इस अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है। ये जो अर्थ है स्ट्रक्चर, ऑब्लेट स्फीरॉइड स्ट्रक्चर है आपका, ये ऐसे बिहेव करता है जैसे किसी ने अर्थ के अंदर होल ड्रिल करके एक बड़ा पावरफुल बार मैग्नेट फिट कर दिया हो। बार मैग्नेट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ बार, दिस इज अ राउंड बार, स्क्वायर बार भी होती है। लैब में जो मैग्नेट हमें दिए जाते हैं दे आर जनरली स्क्वायर बार मैग्नेट्स, ये राउंड बार मैग्नेट ऐसा होता है। सो जैसे किसी ने अर्थ में ड्रिलिंग की, थ्रू एंड थ्रू ड्रिल कर दिया, एक होल निकल गया, और ये ड्रिल कहां की, जो एक्सेस है ना जिनके अराउंड अर्थ घूमती है उस एक्सेस के पास, एग्जैक्टली मैचिंग नहीं, थोड़ी गलती हो गई ड्रिलिंग करते करते, टेढ़ी हो गई ड्रिल। सो ये होल जो बना इसके अंदर वो मैग्नेट फिट कर दिया इन्होंने। अब अर्थ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करती है, शो करती है, जैसे ये बार मैग्नेट उसके अंदर फिटेड हो। ओके, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आपके माइंड में अगर डाउट आए कि अर्थ के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, अर्थ के क्रस्ट में हम लोग ओर्स निकालते हैं ना, खोद खोद के ओर्स निकालते हैं, आयरन ओर निकलता है, कोबाल्ट मिनरल, सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर से निकलते हैं। और ये जो आयरन है, माइल्ड स्टील, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं तीन चार जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये एलिमेंट्स मैग्नेट बन सकते हैं। सिंस ये अर्थ के अंदर हैं, इनके अंदर मैग्नेटिज्म पहले से ही अक्वायर्ड है। जब अर्थ बनी तो इन एलिमेंट्स में पहले से ही मैग्नेटिज्म अक्वायर्ड था। और अगर आप अर्थ के और थोड़ा अंदर चले जाओ तो अर्थ के अंदर मैग्मा और लावा, हॉट मोल्टन मेटल्स रॉक्स, ये अंदर घूम रही हैं। कभी भी ज्वालामुखी फटता है तो ये सारा लावा बाहर निकल आता है। ये अर्थ के क्रस्ट में है, ये भी मेटेलिक मटेरियल्स हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और ये जो अर्थ का क्रस्ट है ये घूमता रहता है अंदर में, ये घूमता रहता है, दिस लॉट ऑफ हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल्स का बना हुआ है। इन सब की वजह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करती है। ओके, अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये सिंपल नहीं है समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे है ये कॉम्प्लिकेटेड? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर आप स्पेस से अर्थ की फोटो देखो तो आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई देगा। ये लाइनें दिखाई नहीं देती वैसे, ये शो की हुई है यहां पे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई इक्विपमेंट हो, कोई सेंसर हो हमारे पास और उससे हमें पता चल जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है तो ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये डायग्राम दिखने में बड़ी सिंपल लगती है पर सिंपल है नहीं। एक तो नोट करने वाली बात ये है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से बाहर निकल रही है और वो सारी की सारी नॉर्थ पोल में अंदर जा रही है अंदर। अब मैग्नेटिज्म जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि ये जो लाइंस बाहर निकलती हैं ये हमेशा रेड पोल से बाहर निकलती हैं, मैग्नेट के रेड पोल से। सो इनको देख के हमें पता चल गया कि अर्थ का जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो रेड कलर का है, रेड। और ये लाइनें जहां एंटर करती हैं मैग्नेट में वो ब्लू पोल होता है, ये फिजिक्स का लॉ है। हमने देखा लाइनें नॉर्थ साइड में एंटर कर रही हैं, इसका मतलब जो नॉर्थ एंड है अर्थ का वो ब्लू कलर का एंड है। ठीक है, ये घुस गया दिमाग में?
अब अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ का जो मैग्नेट है उसका ब्लू एंड किधर है, तो वो नॉर्थ की तरफ है। हम उसे नॉर्थ पोल नहीं बोलते, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नहीं बोलते उसे, हम उसे बोलते हैं ब्लू पोल। ओके और जो साउथ में अर्थ के मैग्नेटिज्म का पोल है वो कौन सा पोल है? वो रेड पोल है, रेड पोल है। एक तो ये चीज इसमें समझने वाली है। दूसरी चीज इसमें क्या समझने वाली है, अगर आप इन लाइंस को ध्यान से देखो, पोल के ऊपर ये जो लाइन है, चाहे नॉर्थ पोल पे चले जाओ या साउथ पोल पे, ये अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है पोल पे। इनफैक्ट पोल की डेफिनेशन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो बाहर निकलेगी ऐसे, अगर ये साउथ पोल है, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो लाइन एग्जैक्टली नीचे अंदर चली जाएगी, है ना? पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है अर्थ सरफेस पे। जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे, ये परपेंडिकुलर की जगह एंगल कम होने लगेगा। 90 डिग्री एंगल था पोल पे, आप इक्वेटर की तरफ चले जाओ, आप देखोगे एंगल जिस पे लाइन अर्थ के सरफेस को काट रही है ये कम होता जाएगा। 80 डिग्री लैटिट्यूड पे एंगल 80 डिग्री रह जाएगा, 70 डिग्री पे 70, 60 डिग्री पे 60, 50 पे 50, 30 पे 30। इक्वेटर पे पहुंचोगे तो ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। है पैरेलल? ये है समझने वाली बात, ठीक है? अगर इसे आप समझ गए तो अर्थ का मैग्नेटिज्म समझ गए, ठीक है? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे है परपेंडिकुलर, धीरे धीरे एंगल कम होगा, एंगल कम होते होते जब इक्वेटर पे पहुंचोगे तो ये अर्थ सरफेस के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एंगल ऑफ कट 0 हो जाएगा। फिर पोल की तरफ जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा एंगल बढ़ता जाएगा। पोल पे पहुंचोगे 90 डिग्री लैटिट्यूड, एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? आगे चलो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारी जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है? एक्सिस पे घूम रही है। हम अगर अर्थ को स्पेस में से देखें, ये अर्थ मान लो ये अर्थ है, इक्वेटर है, ये घूम रही है ऐसे। अगर हम स्पेस में से देखें तो हमें वो पिन पॉइंट पता चल जाएगा जिस एक्सिस पे अर्थ घूम रही है, वो पॉइंट नहीं घूम रहा होगा। उससे थोड़ा सा इधर जाओगे ये घूमना शुरू कर देगा, यहां पे आओगे नो रोटेशन, वो पॉइंट रुका हुआ है। ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, ये है अर्थ के एक्सिस, एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, दिस इज द एक्सिस। ओके ये जो एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, ये जहां पर अर्थ के सरफेस को काटता है नॉर्थ में, वो है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और जहां पर ये एक्सिस साउथ पोल के पास अर्थ के एक्सिस को काटता है उसे बोलते हैं जियोग्राफिक साउथ पोल। कौन से पोल हैं ये? जियोग्राफिकल पोल्स। जियोग्राफी से रिलेटेड है, जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ बॉडीज, अर्थ, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स। ये जियोग्राफिक पोल्स हैं, ये जो जियोग्राफिक पोल्स हैं इनकी लोकेशन फिक्स्ड है, दे डोंट चेंज, ये बदलते नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आज से 100 साल बाद जियोग्राफिक पोल कहीं और चला जाए, दे डोंट चेंज, दे आर फिक्स्ड। ओके अब जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स कौन से हैं? जहां पे वो ब्लू कलर का पोल लगा हुआ है और रेड कलर का पोल लगा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो है मैग्नेटिक पोल्स, वो जियोग्राफिक पोल नहीं है, वो मैग्नेटिक पोल्स हैं। अब ये मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिक पोल एक दूसरे के पास तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक लोकेशन पे नहीं है। मैंने बताया ना, ड्रिल करते करते थोड़ी टेढ़ी हो गई ड्रिल, हो जाती है ना कई बार, चीवा से बोलता है भाई ड्रिल करो इधर, आपने ड्रिलिंग करनी शुरू की वो थोड़ी देर बाद थोड़ी टेढ़ी हो गई, हो जाती है ना? तो भगवान जी ने भी जब ड्रिल करने की कोशिश की वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, कर रहे थे कि उसी एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रिल कर दें पर कर नहीं पाए, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। सो जो हमारे मैग्नेटिक पोल्स हैं वो जियोग्राफिक पोल से थोड़ा सा दूर चले गए। ओके दूर चले गए थोड़ा सा। सो मैग्नेटिक पोल्स एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं है जहां पे जियोग्राफिक पोल्स हैं, वो थोड़ा सा दूर हैं। और इसके साथ साथ एक और बात भी फैक्ट है, वो ये कि ये जो मैग्नेटिक पोल्स की लोकेशन है, लोकेशन ये फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होती रहती है।
क्यों चेंज होती है? क्योंकि अर्थ के अंदर लावा इधर से उधर घूमता रहता है। लावा मैग्नेटिक मटेरियल है, सो जिधर मैग्नेटिक मटेरियल जाएगा पोल्स भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होते रहेंगे। और आप अर्थ में से ये सारा आयरन ओर निकाल रहे हो, है? आयरन ओर निकाल के हमने अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया। ये पिलर डाले हुए हैं ऊपर, कंक्रीट की छत डाली हुई है, सरिये डाले हुए हैं ना सारे, ये बेचारे सारे पहले अर्थ में थे, हमने निकाल के यहाँ लगा दिए। अब जो बड़ा वाला मैग्नेट है उसकी तो मैग्नेटिज्म चेंज होता रहेगा ना, है ना? आपने जहाज बना दिया, सारी की सारी स्टील जापान में निकाली, इंडिया से आयरन ओर निकाला, जापान में स्टील बनाई, उसको कोरिया में भेज दिया, जहाज बन गया। अब वो जहाज को पानी में इधर से उधर घुमा रहे हो, और कितने सारे जहाज घूम रहे हैं, कितना सारा मैग्नेटिक मटीरियल इधर से उधर कर रहे हैं हम लोग। तो ये पोल्स चेंज हो सकते हैं ना, क्योंकि इन पोल्स की जो पोलैरिटी है, जो मैग्नेटिज्म है, वो उसी मटीरियल की वजह से तो है। सो दैट्स वाई जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये ना तो जियोग्राफिक पोल्स की जगह पे हैं, उनसे थोड़ा दूर हैं, और दूसरा इनकी पोजीशन चेंज होते रहती है। ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें ट्राइंगल का सबसे ऊपर वाला जो टिप है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। देखो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, वो दिख रहा है इधर बड़ी वाली डायग्राम में, दैट इज द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। वो सन 1600 में यहां कहीं था, 1700 में इधर आ गया, 1800 में इधर चला गया, 1900 में यहां कहीं आ गया, और फिर 1962, 73, 84, 94, 2001, 2007, और ऐसे चल रहा है। ऐसे मूव कर रहा है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक ब्लू पोल। ठीक है जी, ये भी समझ गए? वेरी गुड। अब हमें नेविगेशन के लिए डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, डायरेक्शंस। वो डायरेक्शन हमें पता चलती हैं कंपास के साथ। कंपास हमारे जितने भी चार्ट हैं, जो भी बियरिंग हम लोग लेते हैं, एजीमुथ लेते हैं, वो सारी की सारी रेफरेंस है नॉर्थ, राइट? नॉर्थ मतलब जो मेरिडियन है, मेरिडियन की डायरेक्शन हमारी रेफरेंस है। उसी रेफरेंस से हम लोग देखते हैं कि किसी दूसरे शिप की बियरिंग कितनी है, या हमारा कोर्स कितना है, या किसी सेलेस्टियल बॉडी का एजीमुथ कितना है, उसी रेफरेंस से देखते हैं ना। ये जो मेरिडियन है, ये सारे के सारे मेरिडियन जाते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल पे। सो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है वो हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, रेफरेंस डायरेक्शन है। लेकिन मैग्नेटिक पोल जिस जगह पे है वो इससे थोड़ा सा दूर है। मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नेटिक कंपास के साथ डायरेक्शन की रेफरेंस को देखेंगे या नॉर्थ को पता करेंगे, तो मैग्नेटिक कंपास तो नॉर्थ वहां पे बताएगी जहां पे मैग्नेटिक पोल होगा, वो तो ट्रू नॉर्थ नहीं है। हमें चाहिए अपने पर्पस के लिए ट्रू नॉर्थ। दोनों में डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है दोनों में, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएशन। चार्ट पे देखते हो ना वेरिएशन, कंपास रोज में लिखी हुई है और हर साल बदल भी रही है। सो ये वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और हर साल वो चेंज होती है। अब आपको पता चल गया वो क्यों चेंज होती है, इसलिए चेंज होती है। ठीक है जी, पता चल गया ये भी। मैंने आपको ये बताया कि मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, करेक्ट है? अब हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसके एक तरफ है ब्लू पोल और दूसरी तरफ है रेड पोल, यही दो पोल होते हैं मैग्नेट के। मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को एक धागे से बांधा और छत के साथ इसको लटका दिया, लटका दिया इसको यहां पे। अब ये जो मैग्नेट है ये स्विंग करने के लिए फ्री है, कहीं भी जा सकता है। इसको धक्का मारूंगा इधर चला जाएगा, धक्का मारूंगा ये इधर आ जाएगा। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां पे ऐसे छोड़ दूं, अर्थ के ऊपर है हम लोग, यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की पोलैरिटी है ब्लू, तो इस मैग्नेट का कौन सा हिस्सा मेरे ब्लू पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा? रेड वाला हिस्सा। अगर ये मान लेते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये जो मैग्नेट मैंने सस्पेंड किया ये घूम के अपने आप ऐसे हो जाएगा, ये रेड वाला हिस्सा जो है अर्थ के ब्लू पोल या नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करने लगेगा। हमारी कंपस में यही होता है, कंपस में ऐसे मैग्नेट लगे होते हैं, एक सिंगल मैग्नेट नहीं होता,
कंपास में जनरली एक कार्ड होता है, कार्ड प्लास्टिक का बना होता है कार्ड, उस कार्ड के नीचे ऐसे तीन चार पांच मैग्नेट लगे होते हैं टू गिव इट ए स्टेबल डायरेक्शन। जब आप कंपास कार्ड को फ्रीली फ्लोट करता हुआ रख लेते हो तो ये घूम के अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर लेता है। ये जितने भी मैग्नेट हैं इनका रेड वाला हिस्सा अर्थ के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल या ब्लू पोल को पॉइंट करना शुरू कर देता है। दिस इज हाउ द मैग्नेटिक कंपास वर्क्स, ओके, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि जो अर्थ का नॉर्थ वाला मैग्नेटिक पोल है उसे ब्लू पोल बोलते हैं हम, नॉर्थ पोल नहीं बोलते, ब्लू पोल बोलते हैं। ब्लू पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ के नॉर्थ में तो ब्लू पोलैरिटी का पोल है। अगर ये नीडल का नॉर्थ वाला हिस्सा देखोगे तो रेड वाला पोल है, सो अगर आपने उसे नॉर्थ पोल बोला तो इसका नॉर्थ पोल तो रेड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे ब्लू बोला और ये रेड है तो फिर चीजें बिल्कुल ठीक आपको पता चलती हैं कि वो वाला ब्लू पोल था, ये वाला रेड पोल है। ब्लू रेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड कंपस नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सो दैट्स व्हाई वी नेम द पोल्स एज ब्लू एंड रेड इंस्टेड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। हम लोग अपनी कंपस के पोल्स को भी नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं रेड पोल एंड ब्लू पोल। कंपस का रेड पोल अर्थ के ब्लू पोल की ओर अट्रैक्ट होता है, समझ गए? सो अब आपको वेरिएशन पता चल गई। दूसरी चीज, मैंने आपको जब ये अर्थ का मैग्नेटिज्म दिखाया तो अर्थ के मैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया कि भाई पोल पे लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है अर्थ सरफेस पे। जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास जाओगे ये लाइन ऑफ फोर्स का एंगल कम होता जाएगा, इक्वेटर पे ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये जो एंगल है जिस एंगल पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस को कट कर रही हैं, ये एंगल को बोला जाता है डिप एंगल। क्या बोला जाता है? एक क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज डिप एंगल? ये एंगल है डिप एंगल। ठीक है, अब अगर आपके पास एक कंपास कार्ड है और आप 40 डिग्री लैटिट्यूड में हो, 40 डिग्री में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 40 डिग्री के एंगल पे होंगी, तो अगर आपने इसके नीचे एक मैग्नेट लगाया हुआ है वो मैग्नेट भी तो कोशिश करेगा ना कि मैं 40 डिग्री के एंगल पे आ जाऊं, वो कोशिश करेगा कि कार्ड भी ऐसे टिल्ट हो जाए क्योंकि उसे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। लेकिन हम लोग कार्ड के स्ट्रक्चर को ऐसा बनाते हैं कि वो टिल्ट ना कर पाए। कैसे करते हैं हम लोग ये? ऐसे जो हमारा कार्ड होता है ना उसके बीच में एक ऐसी नाइफ एज सपोर्ट लगी होती है, ये होता है कार्ड जिसमें यहां नीचे मैग्नेट्स लगे होते हैं, ये होते हैं मैग्नेट्स लाइक दिस, ऐसे क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आप मैग्नेट का, ये नॉर्थ साउथ ऐसे पॉइंट कर रहे हैं। अब आप देखो ये कार्ड यहां पे स्विंग कर रहा है, यहां स्विंग कर रहा है ये कार्ड, और इसका पूरा का पूरा वेट, वेट तो ये मैग्नेट्स का है ना, वो वेट है नीचे, इसका सीओजी बिल्कुल नीचे है। अब अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसे ऐसे टेढ़ा या ऐसे टेढ़ा करने की कोशिश करेगा ये ऑटोमेटिकली इस वेट की वजह से सीधा ही रहेगा। सो द कार्ड इज मैन्युफैक्चर्ड और मेड इन सच ए वे दैट द सीओजी इज वेरी मच बिलो वेयर द कार्ड इज सपोर्टेड, बिकॉज ऑफ दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉट एबल टू डिप द कार्ड। ये भी एक क्वेश्चन था, व्हाट अरेंजमेंट इज देयर विद विच द कार्ड इज अलाउड नॉट टू डिप। ठीक है, हम ऐसा अरेंजमेंट बना के कार्ड को डिप करने से रोक देते हैं। आप ये डायग्राम बना सकते हो, आप बोल सकते हो सीओजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट इधर है, ओके, पॉइंट ऑफ सपोर्ट इधर, सीओजी इधर। अब आप इस कार्ड को जितना मर्जी टेढ़ा करने की कोशिश करो, अगर आप ऐसे टेढ़ा करने की कोशिश करोगे मैग्नेटिक फील्ड वाला लाइन जो है वो इसे टेढ़ा करने की कोशिश करेगा, सीओजी इधर चला गया, द वेट वुड ऑलवेज ट्राई टू कम बैक एंड सेटल डाउन एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। जैसे एक बच्चों का खिलौना होता है ना इटमी, इटमी होता है, उसको ऐसे खड़ा कर देते हैं बच्चे के आगे, बच्चा मारता रहता है उसको, गिराता है उसको, जैसे ही छोड़ता है वो फिर खड़ा हो जाता है ना, फिर बच्चा उससे कुश्ती करता है उसके साथ, फिर उसको नीचे गिरा देता है, जैसे ही छोड़ता है वो फिर खड़ा हो जाता है। क्यों होता है वो खड़ा? उसके नीचे वेट लगा होता है,
देखा, आज नेट पे जाके डालना हिट मी नॉट, वीडियो डालना, वीडियो दिख जाएगा, ठीक है, अभी मत करना, बाद में करना। वो खड़ा क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि उसके नीचे वेट लगा होता है। जैसे ही आप उसे टेढ़ा करते हो, वो वेट ऊपर आ गया ना, जैसे ही आप उसे छोड़ोगे, वो वेट फिर से नीचे चला जाएगा, वेट नीचे जाएगा, वो उसकी मुंडी फिर ऊपर आ जाएगी। वही चीज यहां हो रही है। आप कार्ड को टेढ़ा करो, नीचे वेट लगा है, वेट इमीडिएटली नीचे आएगा, वेट नीचे आएगा तो कार्ड में सीधा होना ही होना है। ये अरेंजमेंट होता है कार्ड में, विद विच वी डू नॉट अलाउ द कार्ड टू डिप। हम इसे डिप क्यों नहीं करने देते? क्योंकि हमें कार्ड के डिप करने से कोई फायदा नहीं है, डिप करने से हमें दिक्कत होगी, क्योंकि अगर कार्ड टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो डायरेक्शन देखनी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, एजीमुथ लेना मुश्किल हो जाएगा। टच करेगा कहीं पे, फ्रिक्शन होगी, फिर फ्रीली घूमेगा नहीं। ओके, तो ये भी चीज हमें पता चल गई, डेविएशन भी आप सॉरी वेरिएशन भी आपको पता चल गई, वेरिएशन पता चल गई। अब अगली चीज देखो, वेरिएशन तो पता चल गई आपको, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास जिससे डिप एंगल पता चल जाता है? एक नीडल होती है, इट इज फ्री टू मूव लाइक दिस, बड़ी हल्की निडल होती है ये, इसको कहीं पे भी रख दो आप, जहां पर भी आप रखोगे ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन कर लेगी। आप ये एंगल देख लो कितने एंगल पे है, एक बाहर ना एक ऐसे राउंड बना होता है, उस पर ग्रेजुएशन होती हैं, सो यू कैन इमीडिएटली रीड के कितने एंगल पे ये पॉइंट कर रही है, वो एंगल डिप एंगल है। डिप एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर लैटिट्यूड। हम लोग यहाँ कितने लैटिट्यूड पे बैठे हैं? 31 डिग्रीज। अगर यहां पे आप टिप नीडल रखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल से 31 डिग्री नीचे पॉइंट करना शुरू कर देगी, ये डिप एंगल है, ठीक है। अब अगर आपकी ये मैग्नेटिक कंपास एक वुडन शिप पे रख दी जाए, वुडन शिप पे, तो आपको सिर्फ इसमें एक ही करेक्शन लगानी होगी, वो है वेरिएशन। वुडन शिप पे ये आपको मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन दिखाएगी, वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल एंड द जियोग्राफिक पोल। आप वो अप्लाई कर दोगे और आपको ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन हम तो वुडन शिप पे सेल नहीं करते, हम सेल करते हैं मैग्नेटिक शिप्स पे, विच आर मेड ऑफ मेटल, मेटेलिक मटेरियल विच इज मैग्नेटिक इन नेचर, राइट। हमारा जहाज तो है ऐसा, मेटल का बना हुआ जहाज है, ठीक है। अब ये जो मेटल का बना हुआ जहाज है, इसमें भी कुछ मैग्नेटिज्म होगा, राइट। इसमें तो मैग्नेटिज्म होना चाहिए, ये मैग्नेटिज्म कहां से आता है? ये मैग्नेटिज्म दो तरह से आता है, एक तो जब जहाज को यार्ड में बनाया जाता है, यार्ड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है ना जहाज, जो भी यार्ड की डायरेक्शन होगी। तो जब ये जहाज बन रहा है, आप इस पे वेल्डिंग कटिंग हैमरिंग कर रहे हो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट कर रहा है, इसमें मैग्नेटिज्म घुस जाता है अंदर, उसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म। और दूसरी तरह का मैग्नेटिज्म होता है जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिज्म अंदर नहीं घुसता, वो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये अर्थ पे किस जगह पे है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेट बना देता है, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ये दो तरह का मैग्नेटिज्म होता है शिप के अंदर, ओके। अब ये जो मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म हमारी मैग्नेटिक कंपस की नीडल को डिफ्लेक्ट कर देता है। कंपस नीडल तो इसके मैग्नेटिज्म से भी अफेक्ट होगी, अगर अर्थ के मैग्नेटिज्म से अफेक्ट हो रही है तो इसके मैग्नेटिज्म पे से भी तो अफेक्ट होगी ना। ये जो एरर आ रही है हमारी कंपस में, अब इसे हम बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन। सो दो एरर हो गई कंपस की, एक वेरिएशन, वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अर्थ पोल एंड द ज्योग्राफिक पोल। डेविएशन इज द डिफरेंस बिट, और यू कैन से द एरर कॉज्ड इन द मैग्नेटिक कंपस बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म ऑफ द शिप, ये है डेविएशन, ओके। अब ये जो डेविएशन है, अगर तो हमारा जहाज एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता, फिर तो कंपस भी नॉर्थ में पॉइंट कर रही, शिप भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा, सिर्फ एक ही तरह की डेविएशन होती है। लेकिन हमारा जहाज तो 0 से लेके 360 किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मान लो अब आपके जहाज के बाव के पास ब्लू कलर का पोल बन रहा था मैग्नेट का, मैग्नेटिज्म का, आपकी कंपस थी इधर ही, कंपस तो इधर लगी होती है, कंपस तो यहां लगी होती है बिनेकल अकोमोडेशन के ऊपर, जहाज के बाव पे ब्लू पोल बन रहा था, ये आपके रेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
जब जहाज नॉर्थ में जा रहा होगा तो कोई डेविएशन जनरेट नहीं होगी क्योंकि ये वैसे ही नॉर्थ में पॉइंट कर रहा। लेकिन अगर आप जहाज को ईस्टर्ली डायरेक्शन में ले जाओगे, अब तो जहाज का ब्लू पोल इधर आ गया ना, अब वो ये रेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, रेड इधर चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे वेस्ट में ले जाओगे, जहाज को वेस्ट में ले जाओगे, तो ब्लू पोल इधर आ गया, वो कंपस के रेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कंपस का रेड इधर चला जाएगा। सो शिप की हेडिंग जब भी चेंज होगी, ये डेविएशन बदलेगी। या तो हमारा शिप एक सर्कुलर शिप होता कि किसी भी हेडिंग पे उसे ले जाओ, एक जैसा मैग्नेटिज्म है चारों तरफ, तो डेविएशन हेडिंग से चेंज नहीं होती। लेकिन हमारा जहाज तो नॉन सिमेट्रिकल या नॉन यूनिफॉर्म शेप का बना हुआ है ना, लंबाई इतनी ज्यादा है, चौड़ाई इतनी कम है। सो जिस भी डायरेक्शन में जहाज जाएगा, उस डायरेक्शन के चेंज होने से डेविएशन भी चेंज होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। इसीलिए डेविएशन कार्ड में हर एक हेडिंग पे अलग डेविएशन दिखाई देती है। एक क्वेश्चन था आपका, व्हाई डज द डेविएशन चेंज विद चेंज इन हेडिंग ऑफ द वेसल? ये चीज समझ गए? इसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, फोटो भी बना सकते हो। जहाज की फोटो बनाओ, एक नीडल बना दो ऐसे, रेड और ब्लू रखो, जहाज के बाव पे ब्लू कलर या रेड कलर का पोल बना दो, ईस्टर्ली हेडिंग पे ले जाओ, एक बार वेस्टर्ली हेडिंग पे ले जाओ, दोनों केसेस में अलग अलग डेविएशन जनरेट हो जाएगी। लिख दो आंसर, आप चाहो तो 25 नंबर का आंसर भी लिख सकते हो इसके लिए। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन आंसर हुआ, व्हाई विद द चेंज ऑफ हेडिंग द डेविएशन ऑफ द वेसल चेंजेस। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखो, और एक चीज देखो, ये जो शिप का मैग्नेटिज्म है ना, जब शुरू में जहाज बना उस टाइम पे कोई एक मैग्नेटिज्म अक्वायर हो गया शिप में। अब उसके बाद अगर ये शिप एक बल्क कैरियर है और आप इस शिप में आयरन ओर लोड कर लेते हो, या ये शिप एक कंटेनर शिप है, हर एक पोर्ट में आप नए कंटेनर लोड करते हो, पुराने कंटेनर अनलोड कर देते हो, या आपका जहाज एक कार कैरियर है, हर एक पोर्ट में कार और ट्रक आते हैं, दूसरी पोर्ट में कार और ट्रक निकल जाते हैं, मतलब बहुत सारा मैग्नेटिक मटेरियल आपके शिप के अंदर आ रहा है और शिप से बाहर जा रहा है, इसकी वजह से शिप का मैग्नेटिज्म हर वॉयज में चेंज होगा, तो जो डेविएशन थी वो चेंज होगी ना, बिकॉज डेविएशन वॉज कॉज बिकॉज ऑफ द शिप्स मैग्नेटिज्म, राइट? आप ऐसे जहाज पे आ जाओ जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल लोड अनलोड नहीं हो रहा, टैंकर पे चले गए आप, अब आप बोलोगे कि ये भी टैंकर पे चले गए, अब तो ऑयल आ रहा है ऑयल जा रहा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो शिप का मैग्नेटिज्म है, किसी भी मैग्नेट को अगर आप बना के रख दोगे, ओवर टाइम इट स्टार्ट्स टू लूज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। 10 साल बाद जाके देखो, बहुत वीक मैग्नेट रह जाएगा, 20 साल बाद जाके देखो, खत्म हो जाएगा पूरा मैग्नेटिज्म। सो शिप का मैग्नेटिज्म जो जनरेट हुआ था जब जहाज बना था, धीरे धीरे शेड ऑफ होता है, चेंज होता है। ये उन चीजों पे भी डिपेंड करता है जैसे शिप कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेल करता है सबसे ज्यादा। लेट से आपका जहाज नॉर्थ हेडिंग पे सबसे ज्यादा सेल किया पिछले 5 सालों में, ईस्ट हेडिंग पे कम सेल किया, वेस्ट पे कम सेल किया, उस पर ये चीज डिपेंड करेगी कि शिप के किन पार्ट्स का मैग्नेटिज्म बढ़ गया और किन पार्ट्स का मैग्नेटिज्म कम हो गया। सो शिप का जो मैग्नेटिज्म है, ये कोई फिक्स्ड कॉन्स्टेंट चीज नहीं है, ये वेरी करता है ओवर टाइम। और इसके वेरी करने का एक और भी रीजन है, आपका शिप हर एक 2.5 साल के बाद ड्राई डॉक के लिए जाता है, वहां ड्राई डॉक में जो पुरानी स्टील होती है उस पर रस्ट लग के खत्म हो जाती है, प्लेटें थिकनेस कम हो जाती है, उनको चेंज करते हो आप, स्टील रिन्यूअल होता है, 5 टन, 10 टन, 15 टन, 500 टन स्टील रिन्यूअल। ये जो नई स्टील आई है, इसका मैग्नेटिज्म तो अलग है ना, नया होगा, इस वजह से भी शिप का मैग्नेटिज्म चेंज होता है। इसीलिए हम लोग डेविएशन कार्ड को हर 1 साल बाद खुद बनाते हैं, और जब भी कभी शिप ड्राई डॉक में जाए और मेजर स्टील रिन्यूअल हो, तो कंपस एडजस्टर को बुला के डेविएशन कार्ड ही नहीं बनाते, कंपस को दोबारा एडजस्ट भी करवाते हैं। ये भी समझ गए कि डेविएशन ओवर टाइम क्यों चेंज होती है? दो सवाल थे आपके, डेविएशन हेडिंग से क्यों चेंज होती है और डेविएशन ओवर टाइम क्यों चेंज होती है, ये दोनों समझ गए आप। और आगे चलते हैं, अब ये जो शिप का मैग्नेटिज्म है हमारी कंपस को अफेक्ट करता है, इस मैग्नेटिज्म को हम लोग रोकते हैं, कैंसल करते हैं, क्योंकि अगर शिप का मैग्नेटिज्म कंपस को हिलाता जुलाता रहेगा तो भाई हम तो असली हेडिंग जान ही नहीं पाएंगे। सो हम क्या करते हैं, शिप के मैग्नेटिज्म को कैंसल करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे कैंसल करते हैं हम? बाय यूजिंग
परमानेंट एंड इंड्यूस्ड मैग्नेट। दो तरह का मैग्नेटिज्म मैंने बताया, एक परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है। इन्हीं दोनों करेक्टर्स के साथ हम लोग शिप की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल करते हैं। ओके, इनको हम लोग बोलते हैं करेक्टर्स। क्या बोलते हैं? करेक्टर्स। अगर आप अपनी कंपस को देखोगे, कंपस के नीचे एक बड़ा सा पिलर लगा होता है ना, वुड का होता है जनरली, उसको बोलते हैं पिनेकल। पिनेकल, ये सारे के सारे करेक्टर उसी पिनेकल में लगे होते हैं, उसी पिनेकल में। दो तो अभी आपको दिखाता हूं, वो तो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ऐसे दो लगे होते हैं स्फीयर, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का, इनको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन स्फीयर्स। एक तो ये है करेक्टर, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, ये इंड्यूस्ड मैग्नेट होता है, सॉफ्ट आयरन के बने। सॉफ्ट आयरन का ये मतलब नहीं होता कि टच करने में सॉफ्ट है। ये दो तरह के आयरन होते हैं, हार्ड आयरन एंड सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन ऐसा आयरन होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आता है। ढीठ आयरन ना, बोलते रहो बार बार, काम कर लो, पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ना हमने, ढीठ वाला आयरन। और जो सॉफ्ट वाला आयरन है वो कौन सा आयरन है? एक बार बोला काम करके आना, अगले दिन हाँ सर काम डन, वो सॉफ्ट आयरन। तो ये जो स्फीयर्स हैं, सॉफ्ट आयरन स्फीयर्स इनका नाम है। ये एक करेक्टर है। दूसरा करेक्टर क्या है? ये डब्बा देख रहे हो, ये फ्लिंडर बार, इसे बोला जाता है फ्लिंडर बार। इसके अंदर भी एक रॉड होती है मेटल की, वो भी हार्ड आयरन नहीं होता, परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता, वो भी सॉफ्ट आयरन वाली रॉड होती है, उसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, दो तो ये करेक्टर हो गए। तीसरे करेक्टर जो होते हैं, अगर आप पिनेकल के नीचे देखो ना, तो आगे पीछे एक प्लेट लगी होती है स्क्रूज के साथ, अगर उसे खोलो तो आपको ऐसे दो स्लॉट दिखाई देंगे, उन स्लॉट्स के अंदर ऐसे ही राउंड वाले मैग्नेट होते हैं। ओके, वो होते हैं परमानेंट मैग्नेट। कुछ एक होते हैं फोर एंड हाफ डायरेक्शन में, और कुछ एक होते हैं ऑर्थवर्ड शिफ्ट डायरेक्शन में। दो करेक्टर वो हो गए, फोर एंड हाफ परमानेंट मैग्नेट्स, ऑर्थवर्ड शिफ्ट परमानेंट मैग्नेट। नहीं, स्फीयर सिर्फ यही होते हैं, स्पेयर, हाँ स्पेयर भी होते हैं, दिखे हुए हैं कहीं पे लेकिन उसको नहीं खोला था, ब्रिज में सेकंड मेट के लॉकर में ये स्पेयर पड़े होते हैं। ये वाले मैंने तो आगे पीछे कर दिया, तो 20 डिग्री डेविएशन हो गई थी। ठीक है, सो यू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। वो होते हैं फोर एंड आफ्ट करेक्टर और ऑथवर्डशिप करेक्टर। ये दो करेक्टर हो गए, टोटल चार हो गए। पांचवा जो करेक्टर होता है वो होती है एक बकेट। जैसे ये कार्ड है ना, ये कार्ड लगा हुआ है, पिनेकल है अंदर, अंदर पेरिस्कोप की पाइप भी होती है एक, जिससे आप ब्रिज से देखते हो कि कार्ड कितना दिखाई दे रहा है। इसके सेंटर में ना एक चेन लगी होती है, और चेन के साथ ना एक बकेट होती है। यहाँ पे बकेट वो वैसे वाली नहीं जैसी बाथरूम में नहाने के लिए यूज करते हो, वो मेटल की बनी होती है, उसमें स्लॉट होते हैं, मैग्नेट उसमें ऐसे वर्टिकल डाले होते हैं, उसे बोलते हैं हीलिंग एरर बकेट। ये होता है पांचवा करेक्टर। ये टोटल पांच करेक्टर हैं। ये पांचों के पांचों मिलके शिप के मैग्नेटिज्म को कैंसल करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम शिप के मैग्नेटिज्म को प्रिसाइजली पता कर लें और उसे पूरा का पूरा 100% कैंसिल कर दें। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास। ये सारी करेक्शन होती है गेस वर्क से, अंदाजे से, एक्सपीरियंस से। सो इसको पूरा का पूरा कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने मैग्नेट को डिस्टर्ब कर दिया, डेविएशन 20 डिग्री पहुंच गई। कंपस एडजस्टर जब जहाज पे आएगा तो ये 20 डिग्री को 5 डिग्री पे ले आएगा, लेकिन जीरो नहीं कर पाएगा, बिकॉज पूरा का पूरा इसे जीरो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए डेविएशन करेक्ट करने के बावजूद थोड़ी सी बाकी रह जाती है, जिसको हम लोग डेविएशन कार्ड में नोट कर लेते हैं और फिर उसे यूज कर लेते हैं। समझ गए? क्लियर है? सो दिस मोर और लेस कवर्स द एंटायर मैग्नेटिक कंपस। कोई क्वेश्चन आप करेंगे? सर डेविएशन डेविएशन चेंजेस ओवर टाइम। अच्छा, इसकी एक डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा। आपने बेसिकली ना ये सारे के सारे करेक्टर दिखाने होते हैं। अगर कोई कंपस की डायग्राम आपसे पूछे तो कंपस की डायग्राम ऐसे बनेगी। यहां पे कंपस कार्ड होगा, कंपस कार्ड के नीचे यहां पे होंगे फोर एंड आफ्ट मैग्नेट्स और ये होंगे ऑर्थवर्ड शिप मैग्नेट। इनको आप लेबल कर दोगे फोर एंड आफ्ट मैग्नेट्स। सर
और शिप मैग्नेट्स। एक यहाँ पे चेन होती है और ये चेन के साथ कनेक्टेड होती है बकेट। इस बकेट के अंदर भी मैग्नेट्स होते हैं। यहाँ पे एक व्हील लगा होता है, व्हील में ऐसे आपका कार्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेट्स लगे होंगे, दिस इज योर कंपास कार्ड, मैग्नेट्स, और इसके अंदर होगा इक्विड। एक डायग्राम तो बनेगी ये, जिसमें आप ये सारी चीजें दिखाओगे, ये वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है। ये फोर एंड हाफ मैग्नेट है, ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा इनका, राउंड दिखाई देगा, ऐसा मैग्नेट है ये ऑर्थोशिप मैग्नेट है, ऐसे पड़ा है, ठीक है। ये जो बकेट मैंने आपको बताई, ये बकेट होती है, इसके अंदर स्लॉट होता है, यहाँ पे ना एक व्हील मैकेनिज्म होता है जिससे आप बकेट को चाहो तो ऊपर कर सकते हो, चाहो नीचे कर सकते हो। जितनी पावर करेक्शन चाहिए आपको उतना कार्ड के पास ले आओ, करेक्शन कम चाहिए तो कार्ड से दूर ले जाओ। ये हो गई हीलिंग एरर बकेट, ठीक है। ये कंपास कार्ड बन गया, ये आपने इसकी सपोर्ट बना दी, ये नीचे मैग्नेट लगा दिए, ये मैग्नेट लिख दिया हमने, ऊपर कंपास कार्ड लिख दिया, और बीच में हमने लिख दिया लिक्विड फिल्ड अप। इस लिक्विड को एंटी फ्रीज भी बोल सकते हो आप, इट्स ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल, एंटी फ्रीज लिक्विड फिल्ड अप। ये वेट कंपास कार्ड बन गई, अगर ये लिक्विड यहां से निकाल दिया जाए तो ड्राई कंपास कार्ड बन जाता है, ठीक है। दो करेक्शन और है उनके लिए, फोटो अलग बनानी पड़ेगी, ऐसे वाली, बिल्कुल ऐसे वाली। आप एक फोटो ये बनाओगे, दूसरी फोटो आप ऐसे बनाना, यहाँ पे कंपास कार्ड बना देना, ऐसा सुंदर बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लिख दो, टाइम है तो बॉक्स भी कर दो कंपास को, और फिर एक स्फीयर लगाओ यहाँ पे, एक स्फीयर लगाओ यहाँ पे, इनको लिखो सॉफ्ट आयरन स्फीयर्स, और एक यहाँ पे लगाओ आप, क्रॉस सेक्शन कर दो, इसको लिखो फ्लिंडर्स बार। ठीक है, इसके नीचे ऐसे ब्रैकेट लगी होती है, ब्रैकेट भी लगा सकते हो। यहाँ पे एक ऐसे स्लॉट होता है जिसपे ये स्फीयर्स को घुमाया जा सकता है, यहाँ एक ग्रेजुएशन होती है, स्केल लगा होता है, ये भी बना सकते हो आप, ठीक है। ये दो फोटो बना दो, है ना। एक चीज और आपने पूछी थी कि ये तो मैंने बनाया वेट कंपास कार्ड, एक ड्राई कंपास कार्ड भी होता है। ड्राई कंपास कार्ड में अंदर लिक्विड नहीं रहता, हम लोग यूजली शिप पे वेट कंपास कार्ड प्रेफर करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो ड्राई कंपास कार्ड होता है, शिप में वाइब्रेशन होती रहती है, शिप अपना कोर्स भी चेंज करता है, और ये कार्ड फ्री टू स्विंग है, तो जो ड्राई कार्ड है ना वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, कभी हिल के इधर चला जाएगा, कभी हिल के इधर चला जाएगा। लिक्विड डालने से उसकी मोशन पे ब्रेक लग जाती है। ये कई बार डांस शो आते हैं ना, वहां कई बार पानी में डांस करते हैं लोग, जब पानी में डांस करते हैं यू कैन नॉट डांस फास्ट, बिकॉज पानी आपकी मोशन पे ब्रेक लगा देता है। स्विमिंग करते हो ना, नीचे अंडर वाटर जाके देखो, हाथ ऐसे ऐसे होते ही नहीं, हवा में जितनी मर्जी तेज करते रहो, है ना। सो पानी जो है आपकी मोशन पे ब्रेक लगा देता है। सो हमारी शिप की जितनी वाइब्रेशन होती है वो उस पानी की वजह से डैम्पन हो जाती है और हमें स्टडी हेडिंग मिलती है। ये वेट कंपास कार्ड की एडवांटेज है। सो अगर आपसे वो पूछे ड्राई और वेट कंपास कार्ड में डिफरेंस बताओ, तो ये फोटो बना देना, एक में लिक्विड भर देना, दूसरे में खाली रख देना, इसके नीचे लिखना वेट कंपास कार्ड, दूसरे के नीचे लिख देना ड्राई कंपास कार्ड, और साथ में बता देना वी यूज वेट कंपास कार्ड बिकॉज इट डैम्पन द वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन एंड गिव्स अस ए स्टेडी हेडिंग। ठीक है जी, तसल्ली हो गई। स्टैंडर्ड कंपास हमारे पास ऊपर लाइब्रेरी में एक कंपास है, अभी आपको दिखा भी देता हूँ बिफोर यू गो फॉर टी ब्रेक।
ये सारी चीजें फिजिकली दिखा दूंगा कहाँ कहाँ लगी हुई है। ओके सो अब आप चाय पी आओ, ऊपर कंपस देख लो, पहले कंपस देख के चाय पी आओ और फिर चाय पीने के बाद मैं आपको करवाता हूँ जायरो कंपस। अच्छा एयर बबल कैसे रिमूव करते हैं वो भी सुन लो, ये भी चीज पूछी थी। एयर बबल के लिए यहाँ ना साइड में एक स्क्रू लगा रहता है, किसी भी डायरेक्शन में एक स्क्रू लगा होगा। आपको अगर एयर बबल को रिमूव करना है तो एक लिक्विड होता है, जनरली कंपास सप्लायर जो है, फोटो खींच लो मोबाइल के साथ अगर दिक्कत आ रही है बनाने में, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। सॉफ्ट आयरन स्फीयर, स्फीयर सॉफ्ट आयरन स्फीयर, ठीक है। आप क्या करते हो, कंपास मैन्युफैक्चरर आपको एक एंटी फ्रीज लिक्विड देता है, अगर ना हो तो जहाज पे भी बनाया जा सकता है। हाँ 40% अगर अल्कोहल डाल दोगे 60% पानी के साथ तो यू गेट ए एफिशिएंट एंटी फ्रीज लिक्विड। वो लिक्विड आप बना लो, एक बार नेट पे चेक कर लेना, ये रेशियो जो है ना 60-40, आई होप इट इज 60-40, इट कुड बी कंपास स्पेसिफिक बट जनरली इट इज सेम। एंटी फ्रीज लिक्विड कहीं भी यूज कर लो वही होता है। हाँ यू कैन हैव एनी अल्कोहल, इथेनॉल इसलिए नहीं डालते क्योंकि लोग पी लेते हैं, इसलिए मीथेनॉल डालते हैं, मीथेनॉल पी नहीं जाती, मीथेनॉल इज पॉइजनस। सो वो जो स्क्रू होता है उस स्क्रू को टेढ़ा करके एकदम ऊपर ले आओ, एकदम ऊपर, ठीक है, और फिर उस स्क्रू को खोल दो आप। अब जब आप उस स्क्रू को खोलोगे तो जो बबल है, बबल तो वहीं पे होगा ना, बबल बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। अब आप सिरिंज लो एक, और एक सिरिंज के साथ एंटीफ्रीज लिक्विड भर के इसमें डालना शुरू कर दो। पानी का लेवल जब ऊपर तक आ जाए, ओवरफ्लो हो जाएगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कि पूरी बाल्टी उसमें डाल दो नीचे चला जाएगा सब, थोड़ा सा पानी ओवरफ्लो होने दो। ओवरफ्लो होने के बाद उसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में स्क्रू लेके उसको बंद कर दो, और ये तब करना चाहिए जब ज्यादा रोलिंग पिचिंग ना हो रही हो, स्टेडी कंपास चाहिए इसके लिए, प्रेफरेबली जब जहाज पोर्ट में हो तब करना चाहिए, ठीक है। उसको आप टाइट कर दो, टाइट करने के बाद आप उसे सीधा करो, द बबल विल बी रिमूव, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो स्क्रू आप टाइट कर रहे हो उसमें कुछ सीलेंट वगैरह आप लगा दो सो दैट वो वाटर टाइट बन जाए। उसमें कई बार एक रबर की वॉशर होती है, हाँ रबर की वॉशर भी कई बार खराब हो जाती है, सो यू रिन्यू दैट वॉशर, थ्रेड सील लगा सकते हो, थ्रेड सील लगा दो, मेक श्योर दैट इट इज लीक प्रूफ ताकि पानी बाहर ना निकले। अगर पानी बाहर निकला तो हवा अंदर जाएगी, बबल फिर से बन जाए। बबल एक्चुअली इसलिए बनती है, कंपास तो ठंडी गर्म होगी, ठंडी गर्म में पानी एक्सपैंड करेगा, श्रिंक भी करेगा, जब वो गर्म होगी पानी एक्सपैंड करता है, अगर तो स्क्रू पूरा टाइट हो, वाटर प्रूफ हो, फिर तो वो प्रेशर अंदर भी रह जाता है उसके, लेकिन अगर कहीं पर भी थोड़ी सी लीकेज है तो पानी बाहर निकल जाएगा और फिर जब वो श्रिंक करेगा तो हवा अंदर आ जाएगी। दैट्स द रीजन व्हाई द बबल गेट्स जनरेटेड, ठीक है। You cannot do anything about it. अगर लीकेज हो रही है ऊपर कहीं ग्लास के साथ जहां पे सीलिंग है वहां से भी लीकेज हो सकती है, किसी भी पार्ट से लीकेज हो सकती है हवा की, तो आप तो वो बबल को फिल अप कर देते हो और रख देते हो। हाँ अगर ज्यादा ही पानी निकलना शुरू हो जाए, बबल फिल अप किया 15 दिन बाद फिर से बड़ा बबल बन गया, तो इन दैट केस यू विल नीड टू चेंज द कंपास पावर, क्योंकि उसमें फिर लीकेज ज्यादा पड़ गई, ठीक है। ऐसे हम लोग रिमूव करते हैं बबल को। मैग्नेटिक कंपास ऑफ कोर्स अलार्म को कैसे चेक किया जाता है ये भी समझ लो। पहली बात तो ये समझो कि मैग्नेटिक कंपास ऑफ कोर्स अलार्म होता क्या है, ये ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है समझने में, ध्यान मेरी तरफ रखना, डायग्राम बन गई ना, आप ध्यान मेरी तरफ रखो। आपने ऑटो पायलट में एक कोर्स सेट किया, आपकी ऑटो पायलट की सेटिंग होती है ऑफ कोर्स अलार्म, आपने वहां डाल रखा है 5 डिग्री, भाई ऑफ कोर्स होगा तो अलार्म बजा देना, ऑटो पायलट देखता रहेगा, शिप की हेडिंग 040, जो कोर्स सेट किया हुआ है वो भी 040, एवरीथिंग इज गुड, नो अलार्म। थोड़ी देर बाद वो ऑटो पायलट देखता है, भाई सेट किया था कोर्स 040, ये तो 044 हो गया, वो टेंशन में आ जाता है, वो देखता है अब 045 हो गया, वो इमीडिएटली अलार्म बजा देता है कि भाई जो आपने कोर्स सेट किया था जहाज उससे 5 डिग्री दूर चला गया, ये होता है ऑफ कोर्स अलार्म। इसका मैग्नेटिक कंपास से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
ये तो सारी कंपसेस में होता ही होता है, सारी कंपसेस में, ऑटो पायलट्स में होता है ये। अब आए हम लोग मैग्नेटिक ऑफ को सलाम, ये क्या चीज है? ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ कुछ जहाजों पे होता है, उन्हीं जहाजों पे होता है जहां पे मैग्नेटिक कंपस की हेडिंग को डिजिटल कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट अगर कंपस के नीचे लगा है जिससे इलेक्ट्रिक फीडबैक आ रही है, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो है नहीं सिवाय एक बल्ब के जो लाइट देता है जिससे रात को दिखाई देती कंपस, और तो कुछ नहीं इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपको कंपस में बल्ब को छोड़ के कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दिखाई दे, तो बड़ी सी केबल एक नीचे आ रही है कंपस के साथ जुड़ी हुई, तो वो आपकी कंपस की जो हेडिंग है उसे डिजिटल कन्वर्ट कर रहा है। जिन जहाजों पे ऐसा सिस्टम लगा होता है ये हेडिंग ऑटो पायलट में जाती है। अब जो आपकी एक्चुअल हेडिंग है शिप की, जो ऑटो पायलट मेंटेन कर रहा है, और जो कंपस हेडिंग है, इनमें जो डिफरेंस है वो तो वेरिएशन डेविएशन ही होना चाहिए, उससे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें वेरिएशन और डेविएशन डाल देते हो, उसको पता चल जाता है यार वेरिएशन डेविएशन 5 डिग्री है मिला के टोटल कंपस एरर। वो देखता रहता है कि मैग्नेटिक से 5 डिग्री दूर नहीं जाना चाहिए शिप की हेडिंग। जो पहले वाला अलार्म था वो तो जायरो के साथ मैच कर रहा था, ये वाला जो अलार्म है ये मैग्नेटिक कंपस के साथ आपके शिप की हेडिंग को मैच करता है। ये अलार्म कहां पर यूजफुल होता है? जहां पर जायरो कंपस फेल हो जाए। अगर जायरो कंपस फेल हो जाएगी, जायरो तो घूम जाएगी, वंडर कर जाएगी, उसके साथ साथ ऑटो पायलट जहाज को भी उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, तो ऑफ कोर्स अलार्म तो आएगा नहीं कभी, समझे? जायरो वंडर कर गई, जायरो जो है नॉर्थ की जगह पे इधर पॉइंट करना शुरू कर दिया उसने, कोई गड़बड़ हो गई जायरो में। अब ऑटो पायलट ने तो जायरो के हिसाब से जहाज को स्टीयर करना है, वो जहाज को भी इधर ले जाएगा, आपको कोई अलार्म नहीं आएगा। अलार्म तो तब आता ना अगर जायरो और शिप हेडिंग में कोई फर्क होता, ऑटो पायलट 10 डिग्री रडर उसके पास है, मजे से जायरो को फॉलो करता जा रहा है। अलार्म कब आएगा? जब मैग्नेटिक कंपस से आपकी हेडिंग दूर जाएगी तब अलार्म आएगा, मैग्नेटिक कंपस ऑफ कोर्स अलार्म। और जब कभी ये अलार्म आए तो ध्यान से अपनी जायरो कंपस को देखो, दिस अलार्म कम्स ओनली व्हेन देयर इज जायरो फेलियर। नहीं तो दोनों अलार्म आने चाहिए, जायरो ऑफ कोर्स अलार्म भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। अगर ये अकेला आ रहा है तो इसका मतलब है जायरो में गड़बड़ है, जायरो का भूत, समझ गए? इसको सेट करने के लिए आपको वेरिएशन और डेविएशन अपनी कंपस में ऑटो पायलट में डालनी पड़ेगी, वो डाल दोगे ये अलार्म ऑन हो जाएगा, समझ गए? ये भी। सो दिस फिनिशेज योर स्टैंडर्ड कंपस। अब आप मेरे साथ लाइब्रेरी में चलिए, मैं ये कंपस आपको दिखाता हूँ, उसके बाद चाय पियो और चाय पी के फिर आ जाओ, ठीक है? वी विल डू द जायरो कंपस। चलो।